सुना है। पता है विंटर्स में ना ऐसे काफी कम दिन होते हैं जब इतनी ज्यादा खिली हुई धूप आपको मिलती है तो मन करता है बस बाहर ही जाके बैठे रहो। हालांकि टेम्परेचर अभी भी काफी कम है, काफी तो नहीं, थोड़ा बहुत कम है, ठंडी लगेगी। मतलब मैं जैकेट इसमें टी शर्ट में बाहर आ गया हूँ, बट फिर भी धूप को देखने के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया। एंड अभी यार इंडिया में हाल फिलहाल में एक मूवी रिलीज हुई है जो कि आप सबको पता ही होगा, जिसका नाम है पठान। तो उस मूवी के रिलीज़ होने से पहले इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हुई सुनने में आया, बट उस चीज़ों के बावजूद मूवी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिले वाला हमें। तो ऐसी मूवी अगर हम ना देखें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल सतन्या व्लॉग्स। और आज है सैटरडे का दिन और हमने प्लान किए कि हम पठान मूवी देखने जाने वाले हैं, बट उससे पहले क्योंकि हमारी ग्रॉसरीज वगैरह वो भी खत्म हो गई है तो पहले उसको स्टॉक कर लेते हैं और फिर चलेंगे मूवी के लिए। तो ये शॉपिंग करने सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं कॉस्को। एज यू नो कि वो एक काइंड ऑफ होलसेल शॉप है, तो होलसेल में जैसे होता है ना कि अगर आप बल्क में सारा सामान आपको सस्ते में मिल जाता है, तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी होता है। तो इसलिए हम ढेर सारा सामान लेने यहाँ पे आ जाते हैं, तो चलते हैं चाहे हमारा यूज हो या ना हो। तो जी एंट्री ले चुके हैं हम शॉप के अंदर एंड देख रहे हो कितनी बड़ी शॉप है यार ये। तो जब मैं यहाँ पे पहली बार ही आया था ना, तो भाई साहब मेरे ना आंखें ऐसे खुली की खुली रह गई थी क्योंकि इतनी बड़ी शॉप देखी और इतना सारा सामान देख के भाई साहब मन कर रहा था सब कुछ ले लो, सब कुछ रख लो। एंड सबसे खास बात पता है इस शॉप की ये कि यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, मतलब सब कुछ इन द सेंस कि खाने पीने का सामान तो है ही, बट इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ्स, ठीक है, और मतलब आप फूल देना चाहो जैसे कि वैलेंटाइंस आ रहा है, फूल भी दे सकते हो। तो सब कुछ मिलता है आपको यहाँ पे। कपड़े बताओ। टॉमी के मिल रहे हैं यहाँ पे कपड़े लड़कों के, जॉगर्स, जॉगर्स पैंट, हाँ $25 के हैं भाई साहब, छोड़ बहुत महंगे हैं। महंगे टॉमी स्टोरूम पे जाओ तो पता चलेगा महंगे हैं। भाई साहब तेरा कैसा रिएक्शन था जब तूने इस शॉप को पहली बार देखा? मेरा मन कर रहा था कि मैं कोने कोने को अच्छे से छानबीन कर लूं कि कहाँ पे क्या चीज़ मिल रही है, चाहे मुझे ज़रूरत हो या ना हो। हाँ। पर मेरे को देखना है सब चीज़ की क्या मिल रहा है। ये तो है, मतलब यहाँ पे इतने सारे सेक्शन बना रखे हैं बट हम फिर भी ना हर एक सेक्शन को जाके चेक करके आते हैं, चाहे हमें वहाँ से कुछ लेना हो या नहीं लेना हो। बट यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि ऐसा नहीं है कि आज आपको कुछ सेक्शन में सामान है तो उस नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो उसी सेक्शन पे ही मिलेगा। ये लोग सेक्शंस जो है चेंज करते रहते हैं, शफल कर देते हैं कि कल को जैसे सपोज करो यहीं पे हमें ओट्स मिल रहे थे वो यहाँ ना मिलके कहीं और मिलेंगे। हाँ। तो बस यही आइडिया होता है उनका, इसी बजाय हम ना पूरी शॉप घूमते हैं और ये होता भी है। मतलब आप सोच के आते हो कि आप यही दो सामान लोगे बट आप बहुत सारा सामान लेके जाते हो। तो देखते हैं आज फिर हम जो लेने आए हैं क्या लेते हैं, वही लेते हैं या हम भर देते हैं कार्ट को? भरेंगे तो नहीं क्योंकि महंगाई काफी बढ़ गई है। और ये आ गया पूरा दारू का सेक्शन, यहाँ से स्टार्ट हो चुका है महंगी महंगी दारूएं सस्ते दाम में है। ज्यादा लोगे तो सस्ती मिलेंगी। अरे ये नहीं लेते हम, दूसरे वाले लेते हैं, वाइन टमाटोज। क्या हुआ? ये वाले टमाटोज नहीं लेते हम। हाँ दूसरे टमाटोज लेते हैं। हाँ दूसरा है ही नहीं, खत्म हो गए। आज सैटरडे है ना, देखना पड़ेगा, रुको आगे देखते हैं। लीची आ रखी है पता है अंदर, लीची लेनी है? ले सकते हैं लीची, पर यहाँ की लीची उतनी अच्छी नहीं होती, हमने ली है एक बारी। हाँ टेस्ट मीठी नहीं होती इतनी। उसमें क्या होता है ना, बीज बहुत मोटा होता है, बहुत मोटा होता है। और जो उसका गूदा होता है ना, गूदा जो खाने वाला पार्ट होता है, खाने वाला पार्ट होता है वो बहुत कम होता है, वो खट्टा होता है। मतलब जैसे इंडिया में मीठा होता है ना, मीठा नहीं होता। चलो जी पहला सामान हमने रख लिया लीची, तो उसमें से दो सामान हम रख चुके हैं, ग्रेप्स और लीची। दोनों हम सोच के नहीं आए थे कि हम लेंगे।
लेने वाले हैं पानी, पीने के लिए नहीं, मेरा सर धोने के लिए और मुंह धोने के लिए मैं पानी लेती हूँ। एक्चुअली मतलब मैं क्या बोलूँ, रीज़न इसका यही है कि जो बाल है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, एक तो वेदर ड्राई है तो आप, और यहाँ पे पानी जो आता है ना बहुत सॉल्टी होता है तो बालों में ना डैंड्रफ बहुत जल्दी हो जाता है। चेरी एंड चीज़, ये तो नया चीज़ कुछ आया है। हाँ। चेरी एंड पहन दे, रख दे, ये घर में पड़ा रहेगा ना तो खाते रहेंगे और काफ़ी मीठा होता है यार। $10 का है ये वैसे भी। ये रहा दूध, लेते हैं अपना ओट्स। एंड ओट्स में पता है यहाँ पे एक डिफरेंस मुझे लगा, मतलब मैंने इंडिया में भी सेम कंपनी के ओट्स खाए हैं, बट इंडिया में क्या है ना जब आप ओट्स लेते हो ना उसमें बहुत चूरा होता है, बट इसमें चूरा इतना होता नहीं है, इसमें प्रॉपर वो ओट्स होते हैं। हाँ तो ये बहुत मतलब क्वालिटी का बहुत डिफरेंस लगता है मुझको, जो ये इंडिया में बेचते हैं और जो यहाँ पे देते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हो आपके लिए बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है ये, विच इज़ ग्रीक योगर्ट, क्योंकि इसके अंदर ना एक सर्विंग में शायद 17 ग्राम प्रोटीन मिलता है आपको, और फैट भी नहीं है और कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, तो मैं एक और लूँगा। मैंने अभी रियलाइज़ किया, पता है मैंने अभी रियलाइज किया, अंडे नहीं है, खत्म हो गए क्या? या नहीं, मुझे लगा वो बर्ड फ्लू के कारण तो नहीं हो गया था, क्योंकि बर्ड फ्लू कुछ फैल रहा था शायद, इस चक्कर में अंडे तो नहीं हो गए। मतलब मुझे अंडे भी लेने थे बट डेयरी में जैसे कि आपने देखा ना सिर्फ दूध दूध था और अंडे थे ही नहीं, तो वो याद ही नहीं आया, फिर बाद में याद आया कि अंडे भी तो लेने थे, एंड देन जब डेयरी पे हम देखने आए तो अंडे हैं ही नहीं। हमारी कॉस्को से शॉपिंग हो गई है और हमारा बिल आया है $98 का, और सामान देखो हमने कितना सा सामान लिया है, और इतना ही सामान अगर हम पहले लेते जब ये कॉस्ट प्राइस का बड़ा नहीं होता तो ये अराउंड $60 का आ जाता। और जब महंगाई नहीं बढ़ी थी ना, अभी जैसे रिसेशन वगैरह का चल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो अगर वो ना होता तो 60 तो नहीं 70 के आसपास हो जाता। और वीर ने ये गाड़ी जो है बहुत ही कमाल तरीके से लगाई है, बाकी सारी गाड़ियाँ लगी हैं सीधी और वीर ने लगाई उल्टी गाड़ी, अब इसमें सामान जो रखे तो वो कैसे रखे। बहुत बढ़िया काम किया है तुमने, उम्दा प्रदर्शन यार, वो तुम्हें हमेशा उल्टी गाड़ी लगाने की आदत हो गई है। सुबह आपने देखा होगा कि यार मस्त धूप धूप निकल रही है और अब देखो स्नोफॉल हो रही है, ये छोटे छोटे वाइट से दिख रहे हैं, ये स्नोफॉल नहीं है, ओले पड़ रहे हैं। हाँ मतलब यहाँ हाँ, के ओले, अपने देसी लैंग्वेज में बोलेंगे तो ओले पड़ रहे हैं। हाँ। ओले ओले ओले। तो जी सामान वामान सब हमने रख दिया था, एंड मूवी जो है ना वो हमारी 7:50 की है और उसको खत्म होते होते ना 10 बज जाएंगे, एंड डिनर वगैरह का हमने कुछ सामान तो घर में बनाया था नहीं, तो इसीलिए हम लोग खाना के लिए आ गए हैं थाल पे, जो कि यहाँ पास में ही है मूवी हॉल के साथ में ही। हाँ तो सामने जस्ट देख रहे हो वहाँ पे वो मूवी हॉल है रीगल थिएटर्स, एंड ये रहा थाल, तो मस्त इंडियन खाना खाएंगे। वैसे तो सोच रहे थे कि कुछ चाट वाट खा लेते हैं, बट देन मन किया कि हेल्दी नहीं खाना यार, अनहेल्दी नहीं खाना, अनहेल्दी नहीं खाना, तो इसलिए आए थाल पे, तो देखते हैं इसका खाना टेस्ट करते हैं, एंड देन सीधा खा के चलेंगे हम मूवी देखने। एंड बाय बाय द वे हमारे साथ गौरव भी आ चुका है। इतनी जल्दी हमने खाना निपटाया ना भाई साहब, ये 5 मूवी स्टार्ट होनी थी 7:50 पे और 5 मिनट पहले ही हमने खाना पूरा निपटा दिया, इतनी तेज स्पीड से खाना खाया हमने। बाय द वे खाना टेस्टी भी था, एंड पहुंच चुके हैं रीगल सिनेमा। यहाँ की सीट अच्छी है, बट यहाँ पे सारी बॉलीवुड मूवीज लगती नहीं है। जिंदा है ओ
तो जी फाइनली वापस आ चुके हैं हम घर पे मूवी शूवी देखने के बाद, और क्या गजब की मूवी थी यार, मतलब मजा ही आ गया, पूरा पैसा वसूल मूवी है। हाँ ऐसी बात है, बहुत कम मूवी होती हैं जिसमें ना यहाँ पे इतने ज्यादा लोग आए, मतलब आपने वीडियो में देखा होगा कितने ज्यादा लोग आए हुए थे, हालांकि पूरा ऐसे हाउसफुल नहीं था, हाउसफुल नहीं था, बट फिर भी काफी लोग आए हुए थे। मतलब हमने ना और भी मूवीज देखी है बॉलीवुड मूवीज ऐसी, और उसके उसमें ना मतलब इक्के दुक्के लोग आए होते हैं या फिर पूरा हॉल खाली होता है और हम ही सिर्फ देख रहे होते हैं। मतलब ये आई गेस कश्मीर फाइल्स आई थी और फिर उसके बाद 83 आई थी, जिसमें पूरा हॉल जो है वो फुल था। वैसे तो कहानी बहुत ऐसे बहुत फाड़ू या नई नहीं थी, बहुत प्रेडिक्टेबल स्टोरी थी, बट जो SRK की फैन फॉलोइंग है ना, हमें लग रहा था गजब की फैन फॉलोइंग, हाँ मतलब इंडिया में ही है, बट यहाँ पर भी हमें वो मस्त देखने को, जैसे इंडिया में होता है ना कि मूवी पे मस्त सीटी मार के लोग एंट्री, मतलब जैसे हीरो करते हैं एकदम, हाँ हीरो की जैसे एंट्री होती है तो भाई साहब एकदम चिल्लम चिल्ली हो जाती है, सीटी और तालियां, ऐसा हमें लगा ऐसा तो यहाँ पे कुछ होगा ही, सोफिस्टिकेटेड होगा, सोफिस्टिकेटेड होता है, हाँ सोफिस्टिकेटेड होता होगा, क्योंकि अभी तक हम जितने में गए ऐसे हमने कुछ देखा नहीं है, हमें बस एकदम शांति से हो गए ना मूवी देखते थे, बट आज की मूवी में भाई साहब लोग पागल हो गए थे जैसी SRK की एंट्री हुई है ना, और उससे अच्छी जो हमारे भाई की एंट्री हुई है, मजा ही आ गया। हाँ वैसे ये कोई स्पॉइलर नहीं है, क्योंकि ये जो न्यूज है काफी लीक हो चुकी है कि सलमान खान भी इसमें एज अ गेस्ट अपीयरेंस उन्होंने दिया। तो अगर आपका दिमाग एकदम काम वाम करके एकदम खराब हो चुका है तो आप मूवी देखने के लिए जाओ, मस्त एंटरटेनमेंट मिलेगा और एकदम मतलब फ्रेश फील करोगे। यस, तो लास्ट थिंग यही है कि यार ये मस्ट वॉच मूवी है, तो अगर आपको मौका मिलता है तो जरूर जरूर देखने जाओ अपने आस पास या नजदीकी सिनेमा हॉल में। एंड इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग की समाप्ति। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। पठान।